अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं पोटैटो चीज बॉल्स। आलू हमने लिए हैं 3 अदद। इंग्रेडिएंट्स पे हमें चाहिए पिसा हुआ जीरा, सफ़ेद पेपर, सॉल्ट, काली मिर्च पाउडर, ओरिगानो पाउडर, कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 1 बड़ा चम्मच, कैप्सिकम छोटी प्याली, कैरेट 1 छोटी प्याली, 1 अदद अंडा क्रश, स्वीट कॉर्न थोड़े से, ब्रेड क्रम्स चाहिए हमें। ये तमाम अज़ा हमें पोटैटो चीज़ बॉल्स बनाने के लिए चाहिए। पोटैटो चीज़ बॉल बहुत मज़े की बनती है, आप भी इसको टी टाइम में खाएं और इन्जॉय करें। सबसे पहले हम आलूओं को अच्छी तरीके से मैश करेंगे। तमाम आलू अच्छी तरीके से मैश होने चाहिए। अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर बॉइल्ड चिकन भी ऐड कर सकती हैं, पर मैं चिकन के बग़ैर ही बना रही हूँ। और स्पाइसेस भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। जब आलू अच्छी तरीके से मैश हो जाएंगे, इसके बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस डालेंगे। इसके बाद हम इसमें कैप्सिकम डालेंगे। कैप्सिकम के बाद हम इसके अंदर कैरेट ऐड कर देंगे, स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे, ये भी आपकी चॉइस है, आपको पसंद हो तो आप डालें वरना नहीं डालें। इसके बाद कॉर्नफ्लोर का 1 बड़ा चम्मच मैंने लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसके बाद इसकी अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। इसकी मिक्सिंग बिल्कुल अच्छी तरीके से करें ताकि तमाम स्पाइसेस आराम से इक्वली हर जगह पे एडजस्ट हो जाएं। टी टाइम के लिए बेहतरीन स्नैक है, आप बनाएं और एंजॉय करें। काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। अब हम चीज़ बॉल्स बना रहे हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आलू हथेली पे रोंगी, फिर इसके अंदर मैं चीज़ रखूँगी। आप चीज़ में आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं, चेडर चीज़ भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और छोटी सी बॉल बना लूँगी इस तरीके से। इसके बाद मैं इसको अंडे में कोट करूँगी, फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको अच्छी तरीके से कोट करना है। छोटी सी अच्छी सी बॉल बनाकर आपको एक तरफ रख देना है। इसी तरह मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। अब हम चीज़ बॉल्स को फ्राई करेंगे। चीज़ बॉल को फ्राई हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे करेंगे, क्योंकि इसके अंदर चीज़ मौजूद है और उसका मेल्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमें चीज़ बॉल्स बिल्कुल गोल्डन क्रिस्पी फ्राई करने हैं। मैंने चीज़ बॉल्स कढ़ाई में फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। एक वक्त में इतने ही डालें जितने आप आराम से फ्राई कर सकें। अगर इसकी फ्लेम हाई हुई तो ये ऊपर से बहुत जल्दी काले हो जाएंगे और अंदर से चीज़ भी मेल्ट नहीं होगी, इसलिए बिल्कुल आपको लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। ये देखें, चीज़ बॉल हल्के हल्के गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं। हमें इसी तरह खूबसूरत सा गोल्डन क्रंची कलर इसको देना है, जब तक हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करते रहेंगे और इसकी साइडें चेंज करते रहेंगे। चीज़ बॉल हर तरफ से इक्वली एक जैसे ब्राउन होने चाहिए। जब अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। और अपने बाकी के चीज़ बॉल भी मैंने ऐड कर दिए हैं, अब इसको भी गोल्डन ब्राउन कलर फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। आप भी मेरी इस रेसिपी से चीज़ बॉल्स ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। चीज़ बॉल रेडी हैं, देखें इनका फाइनल लुक कितने क्रिस्पी क्रंची ये नज़र आ रहे हैं। खाने में ही इतने ही क्रंची और क्रिस्पी थे और बहुत मज़े के बने थे। आप भी इसको ट्राई करें और इन्जॉय करें। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर
शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।